नमः संस्कृताई। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। प्रथमा पाठ, वर्ण विचार, वर्णमाला। वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजनान। स्वर में के दो भेद होते हैं, पहला हरस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। हरस्वर में पांच स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री और नृ। इनकी संख्याएं पांच है। दीर्घ के आठ होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आइए व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन के भी तीन भेद होते हैं, पहला है अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन में ये व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनकी संख्याएं 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। इनकी संख्याएं 4 है। तीसरा है उष्ण व्यंजन, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 33। आइए हम लोग स्वर को भी जोड़ते हैं और 13 स्वर को जोड़ेंगे तो 33 और 13 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो संपूर्ण वर्णमालाओं की संख्या 44 है। धन्यवाद।